हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ करेली की एकदम कुरकुरी भुजिया। तो करेला को मैंने लंबा लंबा काट लिया था, उसके बाद उसे मैं पानी में ना रखी थी, तो एक टेबलस्पून नमक के साथ। उसके बाद पानी छानने के बाद सरसों का तेल गर्म कर लिया है कढ़ाई में, और उसमें फ़ौरन में डाली हूँ अजवाइन, जीरा और कलौंजी। उसके बाद ये जो कटे हुए करेले थे उसे मैं इसमें डाल दी हूँ, और अब इसे 5 से 7 मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके अच्छे से हमें भूनना है। और करेला खाना किसी को नहीं पसंद है, पर अगर आप इस तरह से एक बार करेले की भुजिया बनाएंगे ना, तो बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो बस 5 मिनट भूनने के बाद एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने कट कर लिया था, और प्याज ना इस स्टेज पे अब हमें इसमें डालना है। तो अब अच्छे से इसे चला लेते हैं और ढक देते हैं, और अब करेले को जो है हमें ढक ढक के पकाना है। तो 2-3 मिनट तक हम इसे बार बार ऐसे चलाते रहेंगे, ढक के पकाएंगे, ताकि हमारे करेले जो है अच्छे से पक जाए। और एकदम इसे हमें कुरकुरा बनाना है ना, तो मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूँगी कुरकुरी होने के लिए। आप लोग वीडियो आगे स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। तो बस इसे मिला लिया है, अब इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें और कोई मसाले नहीं डालूंगी, और तीखापन के लिए लाल मिर्च पाउडर। और अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि हमारा करेला और प्याज जो है मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए। और गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है, ताकि मसाले जले ना। और ये बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार हुई थी। करेला वैसे तो कड़वा होता है, पर ये बहुत स्वादिष्ट बना था। और ये रहा मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट, जो कि 1 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन ऐड की हूँ कुरकुरा होने के लिए। और अब इसे अच्छे से 2 मिनट तक गैस का फ्लेम हाई करके चलाते रहें, और हमारी जो है यमी वाली करेले की भुजिया बन करके तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।